नमस्कार, मैं वसंती साहू मॉम्स किचन में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि मैं रायता का रेसिपी बताऊं, तो आज मैं लेकर आई हूं सुपर टेस्टी कच्चा रायता। देखिए कितना यमी लग रहा है, तो आइए हम सीखते हैं कि इसे कैसे बनाएं, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। कच्चा रायता बनाने के लिए हमें मेनली इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बूंदी और मीठा दही। हमने यहाँ पर 50 ग्राम बूंदी लिया है और 250 ग्राम मीठा दही लिया है। यह दही मैंने घर पे बनाया है। 6 घंटा रखने से दही अच्छा बनता है, मीठा रहता है। आगे मैं यदि कमेंट आया तो मीठा दही बनाने का भी प्रोसेस बता सकती हूँ। कच्चा रायता को सुपर टेस्टी बनाने के लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, बारीक कटा एक लाल मिर्च, नमक, काला नमक, जीरा, शक्कर और कढ़ी पत्ता और बारीक कटा धनिया पत्ती। सबसे पहले हम बूंदी को पानी में भिगा के रख देते हैं। 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका तेल भी निकल जाए और बूंदी भी हमारा सॉफ्ट हो जाए। यहाँ हम दही को पीस लेंगे। पाँच मिनट हो गया, अब बूंदी को हम छान लेते हैं। दही को पीस लिया हमने, अब इसमें हम बूंदी डाल देते हैं। बूंदी के रायता में थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रहे हैं, 1 चिमटी बराबर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1 चिमटी, काला नमक 1/4 चम्मच, शक्कर 2 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच, स्वाद अनुसार और देख के डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और रायता को अब छौंक लेते हैं। यह हमारा मिनी फ्राई पैन चढ़ा दिया है गैस में, इसमें 2 चम्मच तेल लगभग तेल डाल देते हैं। तेल हमारा गरम हो गया है, इसमें जीरा डाल देते हैं, बारीक कटा हुआ लाल मिर्च, कढ़ी पत्ता, अब यह हो गया छौंकने के लिए। बंद कर देते हैं गैस को। अब इसे हम अब यह हमारा रायता तैयार है। अब इसमें हम बारीक कटा धनिया पत्ती डाल देते हैं। यहाँ पर मैं रायता को छौंकी हूँ और कई जने कच्चा भी खाना चाहते हैं तो वो भी खा सकते हैं बिना छौंके, बट छौंक के खाने से बहुत टेस्टी लगता है।